हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिजवान। सो मैं आज आपको लेकर आऊँगा, डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए कि देखिए KVS एग्ज़ाम में जैसे कि अब करीब है, बट अगर दो पहलू हो रहे हैं KVS एग्ज़ाम होने के कि क्या KVS एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट या मार्च के स्टार्ट में होगा या बोर्ड एग्ज़ाम के बाद होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमें माइंड में नहीं रखना है कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद हो या फरवरी में हो। फिलहाल हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग देखिए, सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है जिनके भी कमेंट्स आ रहे हैं कि वो अपनी तैयारी को धार दें और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। एग्ज़ाम आपका फरवरी में भी, मार्च के फर्स्ट वीक में और फरवरी के लास्ट में भी हो सकता है, और आपका बोर्ड एग्ज़ाम के बाद भी हो सकता है। अगर CBSE जब चाहे वो तब करा लेगा, बट अगर आप अगर एग्ज़ाम की डेट को देख करके प्रिपरेशन का वेट करते रहेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू क्रेक एग्ज़ाम ऑफ CBSE। ओके, सो प्लीज़, मैंने लास्ट के पिछली वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि असर्टिव सेंटेंस मैंने लास्ट की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन बट इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पर। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पर, सेंटेंसेस पर आज का मेरा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। बट मैं आपको ये पहले बताने देना चाहता हूँ कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस को मैंने आपको बता दिया पहले कि व्हाट इज सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स का होता है। यानी एक बात जो स्पीकर होता है वो अपनी समझा देता है, बोल देता है, वही आपका सेंटेंस होता है। इज राइट? सो जैसे कि द ग्रुप ऑफ, द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स वर्ड्स इज कॉल्ड, इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, तो जब मीनिंग आया ना बच्चों इसका निकल के, वो ये आया निकल के कि देखिए, जब मीनिंग ग्रुप है, ग्रुप का मीनिंग शब्द, एक समूह है, समूह होता है, और मीनिंगफुल वो उसका अर्थ भी तो दे, अर्थ भी तो दे वर्ड्स शब्दों का, उस ही को सेंटेंस बोला जाता है। यानी इट कम, इट मीन्स ये हुआ, देखिए दो व्यक्ति हैं, दो पर्सन है, एक पर्सन ये रहा और दूसरा पर्सन ये रहा, बट इन दोनों में बातें चल रही हैं। ठीक है, ए ने बी से बोला, ए ने बी से बोल दिया, कोई भी सेंटेंस बोल दिया कि KVS एग्ज़ाम इज गोइंग टू बी इन द लास्ट ऑफ फेब्रुअरी एंड इन द बिगिनिंग ऑफ इन मार्च। सो ए ने बोल दिया तो मेरी बात समझ आ गई, इट इज़ राइट ना। तो यही बात को समझाना, जिस पर एक कैंडिडेट अपनी बात को कंप्लीट तरीके से समझा देता है, वही एक सेंटेंस होता है। बट ऐसे ऐसे सेंटेंस हमारे 5 काइंड्स के होते हैं। सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगर नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि पहली सेंटेंस में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस बताया, इंटरोगेटिव को बताया है, और इम्पेरेटिव को बता दिया है, और ऑप्टेटिव को बताया है, और एक्सक्लामेटरी को मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये KVS एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटेंस की नॉलेज हमें होनी है और इसके क्वेश्चंस के एनालिसिस हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ बताऊँगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को मन के साथ पढ़ेंगे, दिल के साथ पढ़ेंगे, सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। इसके लिए मैं एक कॉमन वीडियो और बना दूंगा जिसमें 5 सेंटेंसेज होंगे, और वो सेंटेंस हमारे बहुत ही दूसरे सेंटेंस को, दूसरे चीज़ों को, क्वेश्चन को सॉल्व करने में वेरी हेल्प करेंगे। लेट अस इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस the feeling of
द फीलिंग ऑफ हर्ट हर्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग ऑफ हर्ट. इट इज राइट डियर स्टूडेंट्स. मैंने ये समझ लिया, मैंने ये मान लिया कि डियर स्टूडेंट्स मैंने जान लिया समझ लिया कि देखिए सब्जेक्ट के हार्ट के फीलिंग फीलिंग्स जो होती हैं उनको उनको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे एक्सक्लेमेटरी का यूज़ किया जाता है, एक्सक्लेम का यूज़ किया जाता है, जिसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं. आपके माइंड में चल रहा होगा कि जी देखिए सर कुछ पॉइंट्स होते हैं नहीं होते हैं, कैसे हम हार्ट की फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं. तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हार्ट की फीलिंग्स को वी शैल एक्सप्लेन, हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे ना, हाउ. देखिए ठीक है, देखो जैसे नंबर एक जॉय. जॉय जॉय का मीनिंग क्या होता है, जैसे हमें खुशी होती है ना, हैप्पीनेस होता है. तो जॉय के बाद अलास, अलास अलास के बाद में क्या होता है, हमें दुख होता है, सोरो जिसे है ना, क्या सोरो सोरो. ओके सरप्राइज सरप्राइज, ठीक है सरप्राइज. सरप्राइज के साथ में वंडर वंडर, वंडर के साथ में ओहो, ओह के बाद वाओ वाओ, हुर्रा हुर्रा. ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे एक्सक्लेम वर्ड हैं और इनसे हम फीलिंग को यूज़ करते हैं, अपने हार्ट के फीलिंग को यूज़ करते हैं. इज़ राइट ना. सो अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो वहाँ पे भी देखा है अकॉर्डिंग टू मैग्डिकल जो हमारी 14 इमोशंस होते हैं ना हमारे हार्ट के, उनमें उनको यहाँ पे इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लाया गया, बड़े ही प्यार के साथ लाया गया. सो हम यहाँ पर समझेंगे एग्जाम्पल. ओहो वी हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन इन द एग्जामिनेशन. नेक्स्ट नंबर सेकेंड अलास ही हैज डाइड इन द एक्सीडेंट इन द एक्सीडेंट इन द एक्सीडेंट. And number third, wow, it is very good, very good. So these sentences are related of exclamatory sentence, क्योंकि ये sentence हमारे exclaim को refer करते हैं. देखिए ओहो we have won the match, we have passed in the examination, क्योंकि exclaim हो रहा है, एक ने दूसरे से बोला exclaim करते हुए, यानी इसने ए ने बी से बोला exclaim करते हुए कि देखिए वो alas या it is right, oh we have passed in the examination. इन्होंने बोला कि देखिए हम पास हो गए examination में. is right alas he has died in an accident. इसने बोला ए ने बोला बी से कि alas he has died in an accident. wow it is very good. इट इज़ राइट. सो यहाँ पे कन्वर्सेशन चलता है, फीलिंग्स ऑफ हार्ट के फीलिंग्स के बारे में चलता है. इनका इंपॉर्टेंस कहाँ पर है, इन सारे सेंटेंसेस का इंपॉर्टेंस क्या है, चल रहा है ना माइंड में आपके कि इनका इंपॉर्टेंस कहाँ पर है. डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस कहाँ पर है. नॉट ऑल द सेंटेंसेस are most important number a point narration as direct and indirect. Direct and indirect. B option
एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव, एंड सी ऑप्शन सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, कंपाउंड ऑप्शन डी. ऑल द सेंटेंसेस आर यूज्ड, ऑल द सेंटेंसेस आर वेरी हेल्पफुल, आर वेरी हेल्पफुल इन ट्रांसफॉर्मेशन, इन ट्रांसफॉर्मेशन, इन ट्रांसफॉर्मेशन. जैसा कि मैंने आज पे देखा कि इन टेंसेस का इस यूज़ कहाँ पर किया जाएगा, जैसे नरेशन में यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यूज़ किया जाएगा, एक्टिव एंड पैसिव में यूज़ किया जाएगा, सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा. ऑल द सेंटेंसेज आर वेरी हेल्पफुल हैं इन ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में वन सेंटेंस को चेंज करने में दूसरे सेंटेंस की हेल्प ली जाती है, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. बट जैसे कि आप असर्टिव को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 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 असर्टिव, असर्टिव को कन्वर्ट करते हैं इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव को कन्वर्ट करते हैं आप इंटरोगेटिव को चेंज करते हैं असर्टिव में, असर्टिव से इंपेरेटिव, इंपेरेटिव और इंपेरेटिव से असर्टिव, असर्टिव इंपेरेटिव से एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेटरी से इंपेरेटिव. इंपेरेटिव इम्पेरेटिव, ठीक है. इन सारी चीज़ों में हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं. आपको हमारी वीडियो ना लगे रहे हैं, क्योंकि हम आपको अपनी इस वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो हमारे एग्ज़ाम KVS एग्ज़ाम में या UPTGT एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इन सारी चीज़ों को हमें जानना है, क्योंकि ऑल द सेंटेंसेज आर वेरी हेल्पफुल इन द इन ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक पार्ट है सेंटेंसेस को चेंज करने का, जिसके अंदर हम असर्टिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से इंपेरेटिव में, इंपेरेटिव से असर्टिव में और इंपेरेटिव से एक्सक्लेमेटरी में और एक्सक्लेमेटरी से इंपेरेटिव में कन्वर्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स. सो इनकी हम डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में. नेक्स्ट, नॉट एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क इज यूज्ड इन द एंड, इन द एंड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो डियर स्टूडेंट्स, 30 seconds प्लीज आप रिवाइज कर लीजिएगा. लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स. देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा एक दूसरा एक YouTube चैनल है जिसपे हम GS से रिलेटेड questions अपलोड करते हैं, ठीक है. उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है. नेक्स्ट, वो चैनल है मेरा इस टीवी ज्ञान. इस चैनल को आप मेरे
प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देखिए, पहली वीडियो असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ये मेरे 5 सेंटेंस होते हैं, आपको पता है इज राइट। सेंटेंसेस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है? द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा ग्रुप ऑफ शब्दों का जिसका मीनिंग होता है वही सेंटेंस कहलाता है। यानी कोई सब्जेक्ट अपनी बात को एक्सप्लेन कर देता है और पूरी तरीके से इज कॉल्ड सेंटेंस, इज राइट। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ फाइट, बट ये बातें, वो सेंटेंस की जो बात है वो उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है जिसमें कोई सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त कर देता है, वही एक सेंटेंस कहलाता है, यानी वो पूरी अपनी बात कह देता है, इज राइट। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ हर्ट, इसके अंदर अपने हर्ट की फीलिंग्स को, हर्ट की भावनाओं को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे आपके हर्ट में आता है जॉय, आता है हैप्पीनेस, आता है सरप्राइज, आता है वंडर, आता है अलास, एक तरह से दुख आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपके अंदर आती हैं, तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है कौन? एक्सक्लामेटरी। और एक्सक्लामेटरी बना है एक्सक्लेम से, एक्सक्लेम हर्ट से रिलेटेड निकलने वाली जितनी भी फीलिंग्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, डियर स्टूडेंट्स। ओके, जॉय, अलास, सोरो, सरप्राइज, वंडर, ओहो, वाओ, हुर्रा, इन सभी का यूज़ किया जाता है किस चीज़ के अंदर? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर। ये जहाँ भी आपको मिलेंगे ना, फौरन समझ लीजिएगा, एकदम से समझ लीजिएगा कि ये एक्सक्लामेटरी ही सेंटेंस है। ओहो, वी हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, जैसे कि उसने आश्चर्य के साथ स्पीक किया कि देखिए हम एग्जामिनेशन में पास हो गए हैं। अलास, बड़ी दुख की बात है कि ही हैज़ डाइड इन एन एक्सीडेंट, यानी वो एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, ठीक है, एक्सीडेंट में उसकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है। वाओ, इट इज़ वेरी गुड, सो इट इज़ राइट। यू विल हैव टू, आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको एक्सीडेंट की स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करनी है, इज राइट, ये स्पेलिंग ठीक है या गलत है। ऑल द सेंटेंसेज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नोट, यहाँ पर ध्यान दिया गया कि सारे 5 के असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। किस लिए, क्यों इंपॉर्टेंट हैं डियर स्टूडेंट्स? नरेशन में, नरेशन का मीनिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। देखिए केवीएस एग्जाम में 3 से 4 नंबर के आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेंगे, एक्टिव एंड पैसिव। आपको 3 से 4 नंबर के आपको एक्टिव से पैसिव मिलेंगे। सिंपल, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस को तो छाप लेना, ये भी 3 से 4 नंबर के आपको मिलेंगे। ऑल द सेंटेंसेज आर वेरी हेल्पफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन, और ये सारे ही सेंटेंसेज इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और लास्ट में एक्सक्लामेटरी जो मार्क होता है ना, वो यूज़ किया जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज के अंदर, इज राइट डियर स्टूडेंट्स। असर्टिव से इंटर